अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बोन जोन। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उसामा बिन सईद, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जरी, फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, आपने टाइम निकाला। अच्छा सर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स में है, तो हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स सर्जरी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन नई टर्म है। तो सर, आप इसको कुछ ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ इज स्पोर्ट्स सर्जरी डिफरेंट, और इज इट अ सब स्पेशलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक्स? तो क्या उनके अंदर पेशेंट्स आते हैं, आपकी अप्रोच क्या होती है उनकी? थैंक यू वेरी मच रोबसोबिया फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एक्चुअली वेरी बर्निंग क्वेश्चन एंड वेरी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। स्पोर्ट्स चेंजेस क्या हैं? व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बैक इन फैसलाबाद, सो फैसलाबाद इज एक्चुअली थर्ड लार्जेस्ट सिटी, जी वी कॉल इट मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट देयर वाज नो प्रॉपर स्पोर्ट्स सर्जन और स्पोर्ट्स सर्जरी कॉन्सेप्ट देयर। स्पोर्ट्स की स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स की, जिसका ताल्लुक बोन से भी है, जिसका ताल्लुक लिगामेंट से भी है, जिसका ताल्लुक मसल से भी है, आपकी बॉडी की मैकेनिकल अलाइनमेंट से भी है, बायोमैकेनिक्स कैसे हैं बॉडी के, आप हाउ डू यू परफॉर्म, वी ऑल आर फिजिकली एक्टिव, सो आई कंसिडर एवरी वन एज ए स्पोर्ट्स मैन जो कि अपनी अपनी लाइफ में दौड़ रहा है, जो फिजिकली एक्टिव है, वॉन्ट्स टू डू ऑल द स्टफ इन एवरी डेज लाइफ। सो उसमें, उस दौरान में कैसे हम लोग वी कैन कंटिन्यू वर्किंग एट द ऑप्टिमल लेवल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक और यही प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं एथलीट्स पे जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। एथलीट्स और नॉर्मल पॉपुलेशन दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। नॉर्मल लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करते हैं, एथलीट्स अपनी स्टेमिना और लिमिट से बियॉन्ड जाके एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसमें दे हैव टू विन, दे हैव टू कम्पीट। सो देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट स्टेमिना, डिफरेंट रेजिलियंस, एंड्योरेंस, हर चीज डिफरेंट होती है। सो स्पोर्ट्स इंजरी इन ब्रॉडर टर्म इज नंबर वन इज इंजरी टू एनी पार्ट दैट इज इन्वॉल्व इन योर एक्टिव लाइफ स्टाइल, will be bone, ligament, and then spreading awareness in general population कि कैसे हम लोगों को ये बता सकते हैं कि वो अपनी इसी potential पे for longer period of time काम कर सकते हैं, कैसे injury को prevent कर सकते हैं, which is injury prevention, very important part of sports surgery which I spend a lot of time on. I just keep moving around in different cities for the awareness and educational talks on it. और interesting thing was, जब मैंने start किया तो even I was surprised कि फैसलाबाद जैसे शहर में इतना there was a huge potential, और पाकिस्तान की 100 मीटर फीमेल चैम्पियन, पाकिस्तान का टेबल टेनिस चैम्पियन, पाकिस्तान की नेशनल वॉलीबॉल टीम, पाकिस्तान की नेशनल कबड्डी टीम, इसका 70% ऑफ द पोटेंशियल इज कमिंग फ्रॉम फैसलाबाद। इवन आई वाज सरप्राइज्ड। सो मुझे हैरानी हुई कि हम लोग ये क्यों ज़्यादा हुआ, जो आपका क्वेश्चन है, इस पर एजुकेशन ज़्यादा हो गई, इस पर अवेयरनेस बढ़ गई, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गई ऐसे ऐसे, पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, इंजरीज नेग्लेक्टेड थी। ऐसे एथलीट्स हैं जो कि हमारे नेशनल एथलीट्स रहे हुए हैं, इवन अब वो रिटायर हो चुके हैं, बिगनिंग फ्रॉम इवन स्कॉच के लेजेंड्स हैं, कुछ क्रिकेट के लेजेंड्स हैं जिनके ऐसी इंजरीज हुई एंड दे वर नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, जिसकी वजह से करियर भी एंड हुआ। सो अब ये था कि उस सारे डाउन द लाइन चीज़ों के बाद देर वॉज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑन इट, वर्ल्ड हैज चेंज, मीडिया हैज चेंज, यू नो द वर्ल्ड इज नाउ जस्ट स्मॉल ग्लोबल विलेज यू कैन से, सो वी आर ऑल कनेक्टेड, जस्ट स्मॉल वर्ल्ड। So, अब जो चीज भी किसी दुनिया के कोने में हो रही है, इट्स प्रोपेगेटेड, इट्स ट्रांसमिटेड टू एनी लिटिल सिटी इन द वर्ल्ड। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में विद एफर्ट ऑफ ऑल ऑर्थोपेडिक सर्जन सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, सो देयर हैज बीन अ रैपिड स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस ऑन इट। दिस इज द रीजन कि लोगों को अब कोई भी चोट लगती है, पहला सवाल और सब स्पोर्ट्स इंजरी तो नहीं है, और स्पोर्ट्स इंजरी जो है इट्स फैसिनेटिंग, इसमें इसीलिए फैसिनेटिंग है कि बड़ा क्विक प्रोग्नोसिस है, और आप यू कैन जस्ट हील समवन विद द स्कैल्पल और विद द हेल्प विद योर गाइडेंस विद योर काउंसलिंग, सो सारी चीजें मैटर करती हैं इसमें। सो दैट्स द रीजन आई थिंक स्पोर्ट्स सर्जरी की अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है। अच्छा सर, इन जो हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, सो इज इट जस्ट लोगों के दिमाग में यही होता है कि भाई बस सर्जरी हो गई, हम ठीक हो गए, सो डज दिस सर्जरी ब्रिंग एक रिहैबिलिटेशन का पूरा प्रोटोकॉल विद इट, और क्या वो पेशेंट्स वापस अपने स्पोर्ट्स की तरफ वापस जा सकते हैं, जैसे हम रिटर्न टू स्पोर्ट्स कहते हैं, इज इट अ गुड परसेंटेज हु इज रिटर्निंग टू स्पोर्ट्स? दैट वाज अ चैलेंज एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ डॉग्मा एंड अ डिलेमा, लोगों को फियर था कि हम स्पोर्ट्स सर्जरी को बोलते हैं ऐसे की होल सर्जरी कैमरे से करते हैं जी, सम टाइम वी हैव टू यूज द टर्म लेजर सर्जरी भी है, जस्ट टू मेक द पेशेंट्स अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट टिपिकल सर्जरी जिसमें बड़ा सेंसिंग है, यू हैव टू ओपन अप द जॉइंट्स, इट्स नथिंग लाइक दैट, इज जस्ट मिनिमल इनवेसिव सर्जरी use with the camera, and next part uska ki with this surgery we achieve the same outcome jo hum kisi bhi bade scene wali surgery se kar sakte hain, as you being the orthopedic surgeon you clearly have an idea, we do the complete surgery and huge operations just with the keyhole technique,
और अगला स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट था इसका जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में एम्फेसाइज मैंने कम किया उसमें की होल स्ट्रेटजी द नेक्स्ट इज जस्ट टू पुटिंग दैट एथलीट टू द रीहैब टू द राइट प्रोसेस उसके साथ बीइंग देयर फॉर हिम और हर और जस्ट को टेक हिम थ्रू द प्रोसेस एंड एट द एंड ऑफ दैट प्रोसेस ही और शी विल रिटर्न बैक टू द सेम स्पोर्ट एज दे वर प्लेइंग बिफोर उसी पोटेंशियल पे उसी स्टैमिना पे उसी ऑप्टिमल लेवल पे सो दिस हैज बीन अ चैलेंज सो बट टू मी इट्स फैसिनेटिंग बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन एन एथलीट सो आई नो बट स्पोर्ट्स सर्जरी मीन्स लाइक सो मैं अपने पेशेंट को ये बताता हूँ कि स्पोर्ट्स सर्जरी सर्जरी है लेकिन इसके बाद एक रीहैब है और उसके बाद इंशाल्लाह आप उसी लेवल पे परफॉर्म करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे सो ये एक फैसिनेटिंग चीज़ है जो किसी भी एथलीट किसी भी पेशेंट को मोटिवेट करती है इंस्पायर करती है टू गो फॉर द सेल सो इट इज़ नॉट लाइक इट्स नॉट टू बी स्केयर्ड कि अगर आपका सर्जरी हो रही है न्यू बिकॉज रिहैबिलिट आफ्टर सर्जरी एंड रिहैबिलिटेशन दे कैन रिटर्न टू डेफिनेटली इवन इसके बारे में सबसे परसेप्शन है जो आपने पूछी रिटर्न टू स्पोर्ट्स जी इवन यूनाइटेड स्टेट्स में यूके में यूरोप में जो बड़ी अच्छी स्टडीज और ट्रायल्स हुए हैं उसके मुताबिक भी बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स और ऐसे सेटअप जहाँ पर सर्जरी हो रही है उनका रिटर्न टू स्पोर्ट्स 60 इट्स समवेयर बिटवीन 60-80% सो इट वेरीज लेकिन द क्वेश्चन इज आई हैव सीन पेशेंट्स जिन्होंने सर्जरी करवाई उसके बाद वो अपनी गेम में वापस गए एंड दे केम बैक टू मी एंड टोल्ड मी डॉक्टर साहब आज हमने जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है सो दिस मीन्स वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस वी कैन मेक अ मैजिक बट लेकिन इस मैजिक में आपकी सर्जरी भी मैटर करती है रिहैब भी मैटर करती है पेशेंट की विल पावर भी मैटर करती है आपके प्रिंसिपल्स भी मैटर करते हैं एंड देन रिटर्न टू स्पोर्ट्स में बहुत सारी काउंसलिंग उसके साइकोलॉजिकल थेरेपी भी मैटर करती है सो इट्स फैसिनेटिंग बट इन्वॉल्व्स सर्टेन पार्ट्स सो वी नीड जस्ट नीड टू हैव अ लुक ऑन ऑल दीज थिंग्स Thank you so much for making all this a very like very easy to understand. Thank you so much. Thank you for coming, sir. Thank you. Thank you.